किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आप पेंसिल और एक हाइलाइटर लेके चलिएगा ताकि जो पॉइंट्स मेन है हाइलाइट्स के वो आप हाइलाइट करिएगा। इसके बाद हम नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको हिंट मिल जाए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किसके अंदर रखते हैं? प्रोटिस्टा के। सिंगल सेल कहने का मतलब क्या? सिंगल सेल कहने का मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। मैंने आपको यूकैरियोटिक के बारे में बताया था, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ आपको मैंने पार्ट वन में ही डिफरेंशिएशन दे दिया था कि यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें 80s राइबोसोम होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर होता है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब देखो, बट द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा के अंदर जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज का मतलब है सेल वॉल। सेल वॉल किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और किसी किसी में नहीं होती है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक, अब बोल रहे हैं व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन टू द वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक इंक्लूड क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इग्लिनॉइड्स, स्लाइमआउट, प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। तो देखो, सबसे पहले तो ये बोला गया है कि प्रोटिस्टा में सिर्फ सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ये पॉइंट वन डाल के आप इसको हाईलाइट कर लीजिए कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मेजर पॉइंट है इसमें कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने आपको ट्रिक यहाँ पे बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या बताई थी? चलो देखे इसको सबसे पहले। मैंने प्रोटिस्टा का वीडियो बनाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं? क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूकारी इग्लिनॉइड्स, फिर स्लाइमआउट्स और प्रोटोजोआ। ये पांच मेंबर्स आते हैं जिनको ऐसे याद कर सकते हैं, चलो देखो इसको सबसे पहले। चलो से क्या निकाल सकते हो? क्राइजोफाइट। देखो से क्या निकाल सकते हो? डाइनोफ्लैजेलेट। ई इसको से क्या निकाल सकते हो? इग्लिनॉइड्स। एस सबसे से क्या निकाल सकते हो? स्लाइमआउट्स। और पहले से क्या निकाल सकते हो? प्रोटोजोआ। तो अब इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। तो ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। क्राइजोफाइट इन इग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम माउथ्स आर इंक्लूड इन किंगडम। तो अगर आपको ट्रिक याद है क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इग्लिनॉइड्स और स्लाइम माउथ की, चलो देखो इसको सबसे पहले किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। तो आप श्योरली इसका आंसर याद करके जाएंगे, प्रोटिस्टा आंसर लगा देंगे। तो बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के बारे में और क्या बता रहा है उसकी बातें करते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमली एक्वेटिक, ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, ये नंबर टू इसका कैरेक्टरिस्टिक है। आप यहाँ पे नंबर वन लिखिएगा पेंसिल से, यहाँ पे नंबर टू, कि मेंबर जो है प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से ही कवर होते हैं नीट के अंदर, इस पॉइंट से ही क्वेश्चन उठाया जाता है जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। द किंगडम फॉर्म ए लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट कीजिए कि ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है किसके अंदर? प्लांट, एनिमल और फंजाई। ये किंगडम जो है कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक कहने का मतलब क्या? कनेक्टिंग लिंक कहने का मतलब ये जो है इंटर रिलेटेड है प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से। ये कनेक्ट करता है तीनों को। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो तीनों ऑर्गेनिज्म को, तीनों किंगडम को कनेक्ट कनेक्ट करता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंजाई किंगडम को। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपसे नीट में आया, पूछा जाएगा कि कनेक्टिंग लिंक प्लांट, एनिमल और फंजाई का किसको कहते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? प्रोटिस्टा। अगर किंगडम की बात आएगी तो आप आंसर देंगे प्रोटिस्टा, और अगर सिंगल की बात आएगी तो आप इग्लिनॉइड्स को आप दे सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है इवोल्यूशन चैप्टर में जो कि क्लास 12th में है। अगर आपने वहाँ से उसके बारे में पढ़ा तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, और हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। द किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर
डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई। बींग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये यूकैरियोट होने के साथ साथ जो यूकैरियोट में क्या क्या फीचर होते हैं, यूकैरियोट के फीचर होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगी। ऑर्गेनेल्स तो आपको पता है क्या क्या होता है, जैसे गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, ये सारी क्या होती है, ऑर्गेनेल्स होती है। सम हैव फ्लैजेला सीलिया। अब देखो इसके क्या क्या कैरेक्टर है ये बात कर रहा है। किसी जो प्रोटिस्टा में है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में फ्लैजला होगी और किसी ऑर्गेनिज्म में सीलिया भी हो सकती है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन। फ्यूजन से और भी एक किंगडम में रिप्रोडक्शन होता था, अगर आपको याद है तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता था। बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस होता था, मैंने आपको बताया था, ये देखिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता था फ्यूजन से। तो आप ऐसे इंटरकनेक्टेड करके चलिए ताकि आपको पीछे का भी याद रहे और आगे का भी याद रहे, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद होते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखो इसमें चार पांच कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अंडरलाइन करके एक नोट में लिख लेना है या साइड में लिख सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। दूसरा जो है मेजर पॉइंट, प्रोटिस्टा के अंदर कितने ग्रुप ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा के अंदर पांच जो है कैटेगरीज हैं जिसमें क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इग्लिनॉइड, स्लाइम माउथ और प्रोटोजोआ। इनकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है, इसके क्वेश्चंस भी करा दिए। और जो मेन जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिर्फ प्रोटिस्टा जो है एक्वेटिक होते हैं प्राइमरली। सिर्फ एक्वेटिक का मतलब होता है क्या, जो पानी में रहे, कैसे भी पानी में रहे, नमकीन पानी में रहे या फिर फ्रेश वाटर किसी में भी रहे, ठीक है। और जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बनता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है ये किंगडम प्लांट एनिमल और फंजाई से, ये इंटरकनेक्ट करता है खुद को प्लांट एनिमल और फंजाई से। अगर इनके पास फूड होगा तो ये उस मोड में रहेंगे, अगर फूड नहीं होगा तो ये चेंज कर लेंगे अपने मोड को, ठीक है, इतना समझ में आया। और किंगडम के पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसका जो है सीलिया और फ्लैजला इनके अंदर होता है, और रिप्रोडक्शन का मेथड होता है फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से। ये क्वेश्चन 2010 प्रीलिम्स AIPMT का है। पूछा गया है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड्स इन। सिंगल सेल यूकैरियोट को कौन से किंगडम में हमने डाला हुआ है, ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी आर्किबैक्टीरिया, ऑप्शन डी मोनेरा। तो मैंने आपको बोला था NCERT की लाइन से क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप बताइए क्या आंसर होगा, टाइम ओवर। तो देखो सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं किसके अंदर, प्रोटिस्टा में, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप NCERT को अच्छे से पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, आंसर ए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए क्राइजोफाइट। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे NCERT की हर एक लाइन से इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो इसको आप ध्यान से अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, मार्क करते हुए चलिएगा, और जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसी पे फोकस करिएगा। क्राइजोफाइट्स द ग्रुप इंक्लूड्स, इनके ग्रुप में अगर हम बात करें ग्रुप में, तो इनको हम डाई एटम्स भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आया था कि इनको हम क्या बोलते हैं, डाई एटम्स के नाम से जानते हैं और गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं और डेस्मिट्स के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो नीट में आया था, इनको हम और किस नाम से जानते हैं ग्रुप में, डाई एटम्स के नाम से जानते हैं, गोल्डन एल्गी या डेस्मिट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, वो क्वेश्चन आया था नीट के अंदर कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट। ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाए जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरमेंट दोनों एनवायरमेंट में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ था जो कि मैं अभी आपको बाद में करवाऊंगा। जो तीसरा क्वेश्चन आया था इसकी लाइन से, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, माइक्रोस्कोप आपने यूज़ करा है, माइक्रोस्कोप में क्या टाइनी एलिमेंट्स हम देखते हैं, 10x 20x पे हम जूम करके हम पार्टिकल्स को देखते हैं, तो ये इतने छोटे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्लोट तैरते हैं पैसिवली। पैसिवली का मतलब होता है उल्टा, इन वाटर करंट, वाटर के साथ ये बहते जाते हैं, इसलिए हम इनको प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं।
प्लैंकटॉन्स आपने पढ़ा होगा, पाइथो प्लैंकटॉन्स के बारे में, तो इसलिए हम इनको प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आया था कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर के अंदर, वाटर के साथ ये बहते जाते हैं और इसलिए हम इनको प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चंस जो नीट में आए थे ये आपको मैंने बता दिया। अब आगे जो चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नीट में आया था इससे रिलेटेड, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डाई एटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर इन अ सॉफ्ट बॉक्स। चौथा क्वेश्चन ये आया था कि डाई एटम्स में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल से फिट होती है टुगेदर इन ए सॉफ्ट बॉक्स। मतलब कहने का मतलब ये जो इनकी सेल वॉल होती है वो दो शेल होते हैं, मतलब एक ये दो शेल है और ये दो हाथों के अंदर, ये मान लीजिए दो शेल है और इसके अंदर ये फिट है, दो शेल होती है इनके अंदर वो फिट होती हैं। समझ में आया, बॉक्स कहने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, एक ये सोप की तरह, साबुनदानी की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक वॉल ये होगी दूसरी वॉल ये होगी और इसके अंदर जो है सिलिका भरा होता है हाई अमाउंट में, जिसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं करती है। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इनकी वॉल्स के अंदर जो है सिलिका भरा होता है, एंड थस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जो इनकी वॉल होती है वो अविनाशकारी होती है, इनकी वॉल जो है सेल वॉल टूटती नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि इनकी वॉल में क्या भरा होता है, इनकी सेल वॉल में सिलिका भरा होता है, इस वजह से इनकी वॉल जो है इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, जो टूटती नहीं है। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इससे आया था कि डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो ये जहाँ ये रहते हैं इनके सेल वॉल तो टूटती नहीं है, पानी के अंदर डिस्ट्रॉय होती नहीं, तो ये एक्यूमुलेट होती रहती है जहाँ पे ये रहते हैं और ये भर जाती है किससे, सिलिका से। सिलिका से भरने के कारण ये लार्ज अमाउंट ऑफ जब सिलिका डिपॉजिट हो जाते हैं इनके यहाँ पे, और वो बिलियन ऑफ ईयर से वो सिलिका डिपॉजिट हुआ जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये अर्थ को डाई एटोमिशियस बना देंगी। डाई एटोमिशियस का मतलब क्या, अपने जैसा ही ये तालाब को बना देंगी पूरे अगर ये रहेंगी तो, इसलिए हम इनको हम बोलते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ के नाम से। डाई एटोमिशियस अर्थ का मतलब क्या कि इन्होंने लार्ज अमाउंट में सिलिका अपने हैबिटेट में एक्वायर कर लिया है जहाँ ये रहते हैं, और इस वजह से उनका जो पूरा हैबिटेट है वो सिलिका सिलिका हो गया है, डाई एटम की तरह ही हो गया है बिल्कुल। तो इसलिए इनको हम डाई एटमियस अर्थ के नाम से बोल कहते हैं। इसको आप मार्क कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि इनको हम किस नाम से बोलते हैं, डाई एटोमिशियस अर्थ, और क्यों बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका जो है ये डिपॉजिट कर लेते हैं अपने हैबिटेट के अंदर, इस वजह से इनको डाई एटोमिशियस अर्थ बोला जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ये था। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन ये था कि इनका इकोनॉमिक यूज़ क्या है, इनका इकोनॉमिक यूज़ ये है कि ये बींग ग्रीटी दिस सॉइल इज़ यूज इन पॉलिश, इनका जो इस्तेमाल होता है इनकी सॉइल का पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन। पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, जो हम कोई ऑब्जेक्ट जैसे हम जूते साफ़ करते हैं तो उसमें जो जेल होता है वो क्या होता है, पॉलिश करने के लिए होता है, ऐसे ये चीज़ों की पॉलिश करने के लिए इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स इनके लिए यूज़ किया जाता है। डाई एटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डाई एटम्स क्या होते हैं, डाई एटम्स जो है बहुत चीप, चीप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, सिलिका प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर लीजिए, को हम ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये चमकते हैं कहाँ, ओशियन के अंदर, इसलिए हम इनको ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें पांच छह क्वेश्चंस जो आए हुए नीट में, अब हम उस पे आते हैं। अब जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो 2016 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल, ऑप्शन बी डाई एटोमियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाई सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, ऑप्शन सी डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, ऑप्शन डी डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो ये हमारी जो है मल्टीपल स्किल टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें हमसे ध्यान से क्वेश्चन इसको पढ़िएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर आपने अभी इसके कैरेक्टर्स अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर फटाफट दे देंगे। तो देखो सबसे पहले आते हैं बी पे, डाई एटोमियस अर्थ इज फॉर्म बाई द सेल वॉल ऑफ डायटम, जो डायटोमिशियस अर्थ है जो मैंने अभी आपको बताया था वो फॉर्म होता है बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। तो एनसीईआरटी पे एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
सेल वॉल आर फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग फिट टूगेदर इन अ सो बॉक्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट दिस एक्यूमुलेशन विलियंस रिफर टू एस डायटोमिश अर्थ। तो मतलब कहने का मतलब यही कि डायटोमिशियस अर्थ जो है फॉर्म होता है सेल वॉल ऑफ डायटम से, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, डायटम जो है चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में। हाँ ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस कौन से होते हैं, डायटम्स होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो डायटम जो है छोटे होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर, ये प्रॉपर्टी है क्या? तो हाँ मैंने ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर। अब ऑप्शन क्या बताए, ऑप्शन बच्चा ए यानी बी सी डी, तो ठीक है। ऑप्शन ए, द वॉल्स ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। तो भैया मैंने आपको बताया था जो डायटम की वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, सिलिका जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, इस वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल इनकी डिपॉजिट होती है इनके हैबिटेट में। तो ये देखिए ये बोला गया था इस स्टेटमेंट में कि भैया इनकी जो सेल वॉल होती है सिलिका की बनी होती है और वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से उठा है, मैं क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ, खाली एक लाइन का डिफरेंस है, दो वर्ड का डिफरेंस कर दिया है कि वॉल जो है डिस्ट्रक्टिबल होती है इनडिस्ट्रक्टिबल। तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे मोनेरा, और हम बात करेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में, क्वेश्चंस देंगे आपको 15 सेकंड के अंदर उसका आंसर कमेंट करना है। तो ये मल्टीपल स्किल टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे या आंसर्स। ये क्वेश्चन 2015 AIPMT में आया है, पूछा है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर। तो भैया कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो जिसके सेल वॉल जो है दो थिन होती है, पतली होती है, शेल की तरह फिट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट की सेल वॉल जो है फिट हो जाती है दो ओवरलैपिंग सेल शेल के अंदर, जिसको हम सॉ बॉक्स भी बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, उस पर पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो ये देखिए मल्टीपल आपके स्किल टेस्ट करने का क्वेश्चन है, तो अगर आपने मोनेरा के बारे में पढ़ा था तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में, यानी मोनेरा की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन बी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल। बिल्कुल हमने टेबल में पढ़ी थी कि सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है एनिमल्स में, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, हमने इस टेबल में पढ़ा था कि सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है एनिमल में। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, ये प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी हमने पढ़ा है कि प्रोटिस्टा जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे हमने टेबल में भी इसके बारे में पढ़ा था, देखिए प्रोटिस्टा जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अडॉप्ट करते हैं, और इसके बारे में हमने इनकी लाइंस में भी पढ़ा था की फ्यूचर में। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप इस पर ज़्यादा गो थ्रू करिए ताकि आपको जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तैयार रहे सबसे टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं एडवाइस करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए, वो वीडियो नेक्स्ट होगी आपकी टेस्ट की। डाइनोफ्लैजलेट, डाइनोफ्लैजलेट का मतलब होता है दो फ्लैजला, डाइनो का मतलब होता है दो, फ्लैजलेट्स का मतलब होता है फ्लैजला, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास दो फ्लैजला हो। इनके बॉडी में दो फ्लैजला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है ट्रांसवर्सल, ये दो फ्लैजला होती है इनके पास। ठीक है, दीस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, मोस्टली मरीन होते हैं और दूसरा क्या है फोटोसिंथेटिक होते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, ये मरीन होते हैं और दूसरा फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपेयर येल्लो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी जो बॉडी का कलर है उनके पिगमेंट पे डिपेंड होता है, वो रेड कलर के भी ये हो सकते हैं, इनकी बॉडी ग्रीन, येल्लो, ब्लू किसी भी कलर में हो सकती है जो इनके बॉडी के अंदर पिगमेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। द सेल वॉल हैज स्टिप सेलुलोज प्लेट ऑन देयर आउटर सर्फेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला। देखो इनकी जो सेल वॉल होती है, स्टिफ का मतलब होता है स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है, ये भी मार्क करके चलिएगा कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। स्टिफ सेलुलोज का मतलब होता है ठोस जो होती है सेलुलोज प्लेट की बनी होती है आउटर सरफेस पे, मतलब ये मान के चलिए एक डायनोफ्लैजलेट है, इसकी दो फ्लैजला है, इसकी जो सेलुलोज की सेल वॉल है और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये स्टिफ सेलुलोज की प्लेट है और ये सेलुलोज की सेल वॉल है। ऑन आउटर सरफेस, जो बाहर की सरफेस पे जो है
स्टिफ सेल्यूलोस की प्लेट जो है ये सरफेस पे हो गई, और ये सेल ये पूरी इसकी सेल्यूलोस की सेल है और यहाँ पे स्टिफ सेल्यूलोस की प्लेट है, ठीक है। ऑन आउटर सर्फेस मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है एक ट्रांसवर्स होता है, ये दोनों फ्लैजला है, ठीक है। वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, एक जो है लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है ऐसे, और दूसरा जो है ट्रांसवर्स कर रहा है ऐसे। इना फुरो, फुरो का मतलब होता है, फुरो का मतलब खांचा होता है, ये खांचा बना के रखते हैं द वॉल प्लेट्स में, मतलब इनकी एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली जो है फ्लैजला निकलती है, और बीच में फ्रो, फ्रो का मतलब होता है खांचा होता है इनकी वॉल के अंदर, ठीक है, इतना समझ में आया। वेरी ऑफन द रेड डाइनो फ्लैजलेट्स एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी हम आपको करवाएंगे भी, इसको आप मार्क कर लीजिए। रेड डाइनो फ्लैजलेट एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप नीट लिख लीजिए, यहाँ पे नीट मार्क कर लीजिए। जो गोनियोलेक्स है पहला क्वेश्चन आया था, कौन से किंगडम का एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, डाइनोफ्लैजलेट्स में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन था कि गोनियोलेक्स किसका एग्जाम्पल है, इग्लिनॉइड्स, क्राइजोफाइट्स या फिर प्रोटोजोआ, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डाइनोफ्लैजलेट का एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, ठीक है। अब देखो गोनियोलेक्स इनके अंदर का एक ऑर्गेनिज्म है, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन डेट दे मेक सी अपेयर रेड टाइट्स, मतलब ये जो है गोनियोलेक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और इनके अंदर पिगमेंट जो है मैंने बताया था अलग अलग होते हैं, इसके अंदर रेड पिगमेंट्स होता है, और इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि जो लाल रंग की जो है समुंदर में एक लहरें आ जाती है जैसे खून की तरह होती है, तो इसलिए हम इनको हम बोलते हैं रेड टाइड्स, कि लाल रंग की सुनामी आ गई। टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, तो गोनियोलेक्स का पहला क्या है, ये रेड टाइड काउस करता है, पहला ऑप्शन पहला क्या है इसका फीचर, ये रेड टाइड लाता है, और दूसरा ये कि गोनियोलेक्स रिलीज करता है लार्ज नंबर में क्या, टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में, जिससे बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स होते हैं वाटर के अंदर, जो मरीन एनिमल्स हैं फिशेस हो गई और भी जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमने क्राइजोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया और डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में पढ़ लिया, अब देखो इन दोनों चीज़ों से ना आप इंटररिलेट करो कि इन दोनों में कोई कॉमन फ्यूचर हमें मिला है, तो एक पॉइंट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन हमें ये मिला है कि डाइनोफ्लैजेलेट और क्राइजोफाइट मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक है, और ये भी भैया मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक, तो कॉमन फ्यूचर आप यहाँ पे हाईलाइट करके नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस क्या आए हुए थे। अब आप जो क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस कीजिए, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली ऑप्शन ए मरीन फ्रेश वाटर टेरेस्टियल, ऑप्शन डी सेप्रोफाइट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप क्विक आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए, डाइनोफ्लैजेलेट जो है मोस्टली मरीन होते हैं, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है ये भी, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मरीन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल एरिया, वार्म का मतलब होता है गर्म, कोस्टल एरिया कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ, रेड टाइड कौन काउज करता है, ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए डाइनोफ्लैजेलेट्स, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 51 भी देख लेते हैं, रेड टाइड इज काउज बाई कौन सा ऑर्गेनिज्म काउज करता है, गोनियोलेक्स, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा नीट के लिए, और नीट एम्स चिपमर के क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप तैयार रहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एम्स जिपमर और एनसीईआरटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए, और एनसीईआरटी जितना पढ़ा है उतना प्लीज़ पढ़िए, और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और हाँ, अगर अभी भी आपको इन 3 मंथ में अगर आपको बुक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, बाउंस बैक बुक वाली वीडियो, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी बुक सेलेक्ट करने में। तो चलिए आते हैं हम इग्लिनॉइड्स पे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, इग्लिनॉइड्स भी किंगडम प्रोटिस्टा का एक पार्ट है। इग्लिनॉइड्स में क्या होता है, जो मेजोरिटी ऑफ देम जो है फ्रेश वाटर होते हैं, हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं, मरीन होते हैं, लेकिन ये जो है फ्रेश वाटर होते हैं, ये देखो हमें पहला डिफरेंस यहाँ मिल गया कि ये इग्लिनॉइड्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेजोरिटी जो है फ्रेश होते हैं, ठीक है। आप जितने पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ आप अंडरलाइन करते चलिए। फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर का मतलब क्या होता है, ठहरे हुए पानी में ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठहरे हुए पानी में मतलब ऐसा पानी
जहाँ पानी रुका रहता है, जैसे कि गड्ढे में पानी हो गया तो पानी रुका हुआ है, तो ये वहाँ पाए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, इनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। दे हैव रिच लेयर प्रोटीन कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल जो होती है एक प्रोटीन की लेयर होती है इनके पास बॉडी में, जो सेल वॉल नहीं होती है। इसलिए किसी किसी प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती है, किसी किसी के नहीं होती। इसलिए ये बोला गया था कि बाउंड्रीज जो है नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आया, ठीक है। पेलिकल क्या करती है, पेलिकल जो है इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। पेलिकल एक लेयर है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजला, एक लॉन्ग फ्लैजला होती है, एक शॉर्ट फ्लैजला होती है। इनके पास भी दो फ्लैजला होती है, एक लंबी फ्लैजला है अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में, और एक छोटी सी फ्लैजला है, ठीक है। दो फ्लैजला होती है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ठीक है। थर्ड, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन दे डिप्राइव्ड। अगर सनलाइट होगी उसकी प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक ही वर्क करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में ही खाना बनाएंगे। अगर डेप्रिड का मतलब होता है वंचित, अगर सनलाइट नहीं हुई तो ये बिहेव करेंगे हेटरोट्रॉप की तरह, मतलब सनलाइट हुई तो ये प्लांट की तरह बिहेव करेंगे और सनलाइट नहीं हुई तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। तो इग्लुइना को हम एक ऑर्गेनिज्म है जो कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, बिहेव करेगा फोटोसिंथेटिकली, और इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, यानी लाइट की प्रेजेंस में प्लांट की तरह बिहेव करेगा और एब्सेंस में किसकी तरह बिहेव करेगा, एब्सेंस में बिहेव करेगा एनिमल की तरह। इसलिए कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिजम्स भी है। समझ में आया। अब ये देखो, प्रीडेटिंग ऑन देयर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म को। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ इग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू प्रेजेंट इन हायर प्लांट, यानी जो इनके अंदर पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट के अंदर, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर भी। इग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल है, इग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो ये रहा, इग्लिनॉइड्स में आता है, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट था कवर करने वाला, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ फ्रेश वाटर में, मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा, ये स्थिर पानी में रहते हैं, स्टैगनेंट वाटर में रहते हैं। तीसरा, इनके अंदर पेलिकल की जो रिच लेयर होती है सेल वॉल की जगह। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, फूड जो है सनलाइट से बनाएंगे, और अगर लाइट नहीं होगी रात में तो ये क्या करेंगे, ये एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, ये मार के खाएंगे छोटे ऑर्गेनिज्म को। और हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्लांट एनिमल और फंजाई कनेक्ट लिंक करे वो क्या होते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं, और इग्लिनॉइड्स भी कनेक्टिंग लिंक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। एक चीज और आप और ऐड कर लीजिए इग्लिनॉइड्स में, कि इनका जो रिजर्व फूड होता है वो पैरामाइलम स्टार्च होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, रिजर्व फूड जो होता है क्या होता है, पैरामाइलम स्टार्च जो इनका रिजर्व फूड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्लाइम माउथ्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइम माउथ्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, स्लाइम माउथ जो है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहने का मतलब क्या, ये जो है डिजोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल को डिजोल्व करते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिजोल्व करते हैं और उससे ऑप्टेन करते हैं फूड, जैसे पत्तियां वगैरह को ये डिजोल्व करके खाते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है डिकेइंग, डिकेइंग मतलब सड़ा के गला के खाना, ट्विक्स किसको, ट्विक्स का मतलब होता है टहनियों को, एंड लीव्स को, टहनी और लीव्स को ये सड़ा गला के इंगल्फ करते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन मतलब जब इनकी कंडीशन एक सुटेबल होती है, अच्छी कंडीशन होती है, तो ये फॉर्म करते हैं एक एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं हम प्लाज्मोडियम क्या होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो काउस करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो काउस करता है मलेरिया। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे प्लाज्मोडियम का स्क्रीन पे, ऐसा होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। बीच में ग्रो प्लाज्मोडियम, अगर ये सुटेबल कंडीशन में है तो ये भैया ग्रो करके इसने क्या करा, एग्रीगेशन बना दी प्लाज्मोडियम की, जो ग्रो करेगा और सेपरेट ओवर सेवरल फीट वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा,
जब तक वो फट ना जाए, जब तक ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फट जाता है, जब वो बढ़ के एक अनफेवरेबल कंडीशन, एक लिमिट आ जाती है तो ब्लास्ट हो जाता है। जब उसकी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ब्लास्ट हो गया, और डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, वो फट के, मतलब ये मान लीजिए प्लाज्मोडियम है एक बंच पूरा भर गया, जब इसका स्ट्रेस पूरा भरने के बाद ये फट गया, फट के इसने छोटी छोटी बॉडीज बना ली, जिसको हमने क्या बोला, फ्रूटिंग बॉडीज बोला, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज बोला। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, यानी पहला आप ये लिखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो है फट के क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम जो है डिस्ट्रॉय होके बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग में लिखिएगा फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखिएगा कि जो जो प्लाज्मोडियम की जो फ्रूटिंग बॉडीज की जो स्पोर होती है, जो इनसे स्पोर बनते हैं, जो फटा हुआ, फटने के बाद जो ये स्पोर रिलीज करता है, इनकी स्पोर की जो है ट्रू वॉल्स होती है, ट्रू वॉल होती है, ट्रू वॉल का मतलब सेल वॉल होती है इसमें। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, इनकी जो स्पोर है, जो सेल वॉल होती है, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट कहने का मतलब प्रतिरोधक होती है, वो हर चीज़ को सह लेती है और सर्वाइव कर जाती है बहुत सालों तक। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में द स्पोर आर डिस्पर्स बाई एयर करंट, एडवर्स कंडीशन, जब कठोर परिस्थिति, एडवर्स का मतलब था कठोर परिस्थिति आती है, तो इनकी जो स्पोर है, ये मतलब फट के इसने स्पोर बनाए, ठीक है, इनकी स्पोर के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होती है, और ये यहीं पड़ा रहेगा जब तक इसको कोई हवा ना उड़ाए या फिर कोई एनिमल ना लेके जाए, ठीक है। तो ये इनकी जो सिंगल एडवर्स कंडीशन में होता है, अकेले जो इसकी खतरनाक परिस्थिति होती है, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को मेंटेन करके रखता है और ये हवा के साथ जो है डिस्पर्स हो जाता है। तो हमने स्लाइम मॉड्स में ये पढ़ा कि ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और सुटेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम फॉर्म करेगा, और सुटेबल कंडीशन नहीं होगी तो इसके स्पोर फट जाएंगे, स्पोर बनाएंगे। स्पोर में क्या होता है, स्पोर में भैया फ्रूटिंग बॉडीज इसको हम बोलते हैं, और स्पोर की जो है ट्रू वॉल्स होती है, और स्पोर जो है, जो ट्रू वॉल के कारण ये सर्वाइव कर जाता है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। इतना ही है स्लाइम मोड्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट, इग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोड समझ में आया। अब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, और अब क्वेश्चंस जो है अब खुद से करेंगे, मुझे ये हिंट देना था कि इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अब आपकी बारी है, आप तैयार करिए एनसीईआरटी और क्वेश्चंस को, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देंगे। अब पढ़ते हैं हम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मार्क करके चलिएगा। ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटरोट्रॉप्स, जितने भी प्रोटोजोआ है सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स तो आपको पता है, दूसरों पे निर्भर करने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड लाइव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। हेटरोट्रॉप्स तो होते हैं, लेकिन या तो ये प्रीडेटर्स की तरह, पहला ये मार्क करिए पहला पॉइंट कि ये प्रीडेटर्स की तरह जिएंगे, या फिर दोनों नहीं हो सकता, या पैरासाइट की तरह जिएंगे, ठीक है। मतलब प्रीडेटर्स वो होते हैं जो दूसरों को मार के, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रीडेटर्स है। जैसे मैं हूँ, मैंने क्या करा, मैंने एक ऑर्गेनिज्म को मार दिया, किसी ऑर्गेनिज्म का शिकार कर लिया और उसको मैंने खा लिया, वो होता है प्रीडेटर्स। और पैरासाइट होता है, मैं आपकी बॉडी के अंदर हूँ, आप जो खाना खा रहे हो उसको मैं ग्रैब कर रहा हूँ। जैसे हमारे सर पे, बॉडी पे लीच होती है, लीच लीच जुए हमारे हेयर्स में होती है, वो क्या होती हैं, वो पैरासाइट होती हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी से प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करती है। प्रीडेटर्स और पैरासाइट समझ में आया आपको। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट इसका। पहला पॉइंट तो ये है कि ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो है, ये प्रोटोजोआ, इससे क्वेश्चन आया था, ये आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये जो है, ये माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल्स, ये एनिमल से ये रिलेट करते हैं। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से, या मार्क करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पीएमटी यहाँ पे लिख लीजिए, प्री मेडिकल टेस्ट। एमीवाइड प्रोटोजोआ, अब देखो इनकी चार कैटेगरी है प्रोटोजोआस की। पहला जो आता है एमीवाइड प्रोटोजोआ, दूसरी कैटेगरी है इसकी फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ, तीसरी कैटेगरी सिलिएटेड प्रोटोजोआ, और चौथी स्पोरोजोन्स।
तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहले एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। एमीबॉइड, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है, उसी की बात हो रही है। दिस ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट और सॉयल। अब देखो प्रोटोजोआन के अंदर ना, पहला तो प्रोटोजोआ से क्वेश्चन आना होगा, तो पहला क्वेश्चन ये याद आएगा कि ये हेटरोटॉप्स प्रीडेटर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया था नीट में, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि ये जो है प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स कौन सा ग्रुप होता है प्रोटिस्टा का, तो उसका आंसर होगा प्रोटिस्टा का ग्रुप जो होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, अब प्रोटोजोआ के अंदर चार क्लासेस आती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। एमीबॉइड प्रोटोजोआन का मतलब अमीबा की ही बात कर रहे हैं हम। अमीबा क्या करता है, ये जो है ऑर्गेनिज्म अमीबा लाइव जीता है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। फ्रेश वाटर जहाँ पानी मीठा हो, समुद्र का वाटर जहाँ पानी खारा हो, यानी हम इसको एक्वेटिक भी बोल सकते हैं ना, एक्वेटिक ये होता है। और मॉइस्ट सॉइल जहाँ नमी हो, पानी पानी हो, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये जो है मूव करते हैं एंड कैप्चर पकड़ते हैं। देयर प्रे, प्रे का मतलब होता है अपने शिकार को, बाई पुटिंग आउटसाइड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया होता है इनके नकली पैर होते हैं, मतलब ये अमीबा है ठीक है, ये इनका यहाँ शिकार है। तो इसने क्या करा, ये यहाँ पे गया और इसने क्या करा, इसने अपना साइज थोड़ा नकली फीट ग्रैब करके इसको ग्रैब कर लिया, साइज बढ़ा लिया, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। फॉल्स फीट, इसने अपने फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया से ग्रैब कर लिया इसको और इनगल्फ कर लिया, खा लिया इस ऑर्गेनिज्म को। तो इनके पास भैया लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया होता है, जिसको हम फास्ट फीड बोलते हैं अमीबा के अंदर। ठीक है, अमीबा आपने 8, 9, 10th में पढ़ा होगा। मरीन फॉर्म में, ये तो भैया मरीन फॉर्म की हम बात करेंगे, ये हमने बात करा फ्रेश वाटर की। मरीन फॉर्म में इनके पास सिलिका शेल होती है इनके सरफेस पे। सिलिका शेल आपको याद है हमने किस में पढ़ा था, किस में, क्राइजोफाइट्स में। बिल्कुल, सिलिका शेल होती है इनके सरफेस पे जो एंट अमीबा हिस्टोलिका बनाती है, आर पैरासाइट। देखो हमने अभी तक ये पढ़ा कि एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स में ये अमीबा आता है, जो कि ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल और जहाँ नमी होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी ये एक्वेटिक भी होते हैं और वहाँ पाए जाते हैं जहाँ नमी होती है। दूसरा जो है इसमें हमने ये पढ़ा था कि इनके पास फॉल्स फीट होता है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, जिससे ये अपना फूड ग्रैब करते हैं। तीसरा हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि इनकी सिलिका की शेल होती है ठीक है, और चौथा इसका एग्जाम्पल दिया एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये एक पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो है हम जो कच्चे फ्रूट्स खाते हैं, कच्चे फ्रूट्स मतलब जो टमाटर वगैरह हम बिना धोए खा लेते हैं, तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जो गंदा पानी और गंदा फूड होता है उसमें पाए जाते हैं, और हम बिना धोए फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो उसके ऊपर भी ये पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे पेट और इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और प्रेग्नेंट वुमेंस में भी ये होता है, और ये किसी भी बच्चे बड़े किसी भी एज के लोगों में हो सकती है, अगर वो हाइजीन ना रहें और फूड को अच्छे से वॉश करके ना खाएं। इसलिए हम बोलते हैं कि फूड को प्रॉपर वॉश करके खाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम होती है, समझ में आया। इसलिए एंट अमीबा हिस्टोलिका ये पैरासाइट है जो एमीबॉइसिस डिजीज काउज करता है, इस डिजीज़ को हम बोलते हैं हम एमीबॉइसिस। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर 8 क्लास 12th में, जो कि काफ़ी अच्छे से सबके बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआंस के बारे में। फ्लैजला का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्लैजला क्या होती है और किस लिए यूज़ होती है, लोकोमोशन के लिए यूज़ होती है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआंस। द मेंबर ऑफ ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इसमें भी ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनके जो फ्लैजलेट प्रोटोजोआंस में जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो ग्रुप में या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट फॉर्म में पाए जाएंगे। या तो ये फ्री लिविंग होंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटोजोआंस में या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे, तो वैसे ही ये जो है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआंस, ये हैं या फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाएंगे या पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया।
दे हैव फ्लैजला, इनके पास फ्लैजला होती है। दे द पैरासिटिक फॉर्म काउज डिजीज एज स्लीपिंग सिकनेस, ये अगर पैरासाइट फॉर्म में पाए जाएंगे तो ये एक डिजीज काउज करेंगे, ट्रिपेनसोमा, जो काउज करती है स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनसोमा एक डिजीज है जो स्लीपिंग सिकनेस काउज करती है। देखो क्वेश्चन जनरली रिलेटेड ऐसे आता है कि ट्रिपनोसोमा कौन सी कैटेगरी में आता है, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए स्पोरोजोआ, ऑप्शन बी सिलिटेड प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, या ऑप्शन डी एम्यूबॉइसिस, ऐसे ऑप्शंस दे देगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जांपल्स याद करने और कुछ जो लाइन में हाईलाइट करा रहा हूँ उसको याद करके चलना ही है, उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, और अगर ये पैरासाइट होगा तो उस फॉर्म में एक डिजीज काउज करता है सोने की, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपनोसोमा, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, आपको बहुत गहरी नींद आने लगेगी और इस वजह से आप हमेशा देखते होंगे आप अपने पास आसपास कुछ बच्चे बहुत लेजी होते सोते रहते हैं, तो एक कारण हो सकता है कि ट्रिपनोसोमा उनके अंदर हो। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो मैं मार्क करवाऊँ लाइन वो तो आप याद करिएगा और उसके नोट्स बना के आप लिखिएगा भी। ठीक है, रफ पेज पे सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है एक्वेटिक होते हैं। मैंने आपको बताया था एक्वेटिक क्या होता है, एक्वेटिक का मतलब होता है जो फ्रेश वाटर में रहे और मैरीन वाटर में, दोनों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्वेटिक कहलाते हैं। तो ये एक्वेटिक होते हैं, और एक्टिवली का मतलब तो बहुत तेजी से मूव करते हैं पानी के अंदर, यानी ये पानी के अंदर बहुत तेजी से तैरते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारी सीलिया होती है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया को क्या होती है, सीलिया छोटे हेयर होते हैं इनकी बॉडी पे, बहुत सारे ऐसे हेयर होते हैं छोटे छोटे, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ हेयर होते हैं, जिससे क्या करते हैं ये पानी के अंदर तैरते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इनके पास एक कैविटी होती है इनकी बॉडी में, गलेट। गलेट क्या करती है, जब ये तैरते हैं पानी के बहाव को मोड़ते हैं तो ये आगे जाते हैं, आगे जैसे जाएंगे तो ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को पकड़ते हैं इस कैविटी के थ्रू। ठीक है, द हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट, गलेट डेट ओपन द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये गलेट जो होती है इनकी सेल के सरफेस के बाहर होती है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया काउज वाटर लेडन, ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट का मतलब होता है तालमेल करके ये अपने हाथ पांव मतलब सीलिया को चलाते हैं, ताकि पानी का बहाव जो है, इमेजिन करिए पानी है, पानी को पीछे पुश करते हैं सीलिया आगे, सीलिया के थ्रू और रो के थ्रू, और ये आगे जाते हैं, और आगे जब जाएंगे तो ये क्या करते हैं, विथ फूड टू बी स्टेड इन टू गलेट, फूड को जो खाने को है ये क्या करते हैं, खाने को स्टेड का मतलब होता है चलाना, खाने को मतलब अब चला आता है, जब ये आगे तैरते हैं तो ये खाना इनके बॉडी के आउटसाइड सरफेस यानी गलेट पे चला आता है, चला आना, स्टेड का मतलब होता है चलाना, लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ये तैरेंगे तो इनकी जो आउटसाइड बॉडी के सरफेस पे ये गलेट कैविटी है, तो पानी जो है, पानी के साथ जो इनका फूड है वो इनके मुंह के अंदर चला आता है। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो अभी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एमीबॉइड्स में हमने पढ़ा था क्या है एग्जाम्पल, एंट अमीबा, स्टिलोका और अमीबा। फिर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था ट्रिपनोसोमा होता है, फिर सीलिएटेड में हमने पढ़ा पैरामीशियम। ठीक है, और हमने एंट और अमीबॉइड में पढ़ा था एक्वेटिक होते हैं और मोइस्ट सोइल में पाए जाते हैं, सीडोपोडिया के थ्रू क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्व करते हैं, और इनके पास एक शेल होती है। फिर हमने फ्लैजेलेटेड में पढ़ा था या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, अगर ये पैरासाइट है तो पैरासाइट फॉर्म में क्या काउज करेंगे, स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम बोलते हैं ट्रिपनोसोमा। फिर हमने सीलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या होता है, ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक्वेटिक होते हैं, जो कि पानी में पाए जाते हैं, और इनके बॉडी पे बहुत सारी सीलिया होती है, सीलिया का मतलब होता है बहुत सारी जो है छोटे छोटे बाल्स होते हैं, और ये इसके वजह से जो है मूव करते हैं आगे पानी के आगे, और इनकी बॉडी के आउटसाइड सरफेस पे एक गलेट नाम की कैविटी होती है, जब ये आगे तैरते हैं तो पानी का बहाव जो है पीछे होता है, और जो फूड इनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है गलेट के थ्रू, खा लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पोरोजोआंस, स्पोरोजोआंस। ठीक है, और इन सब के बारे में आपने अगर क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी चैप्टर 8, तो आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, स्पोरोजोआंस। ठीक है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स का मतलब होता है सबसे विविध तरह का अलग ऑर्गेनिज्म है, दे
दैट हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्पोरोजोआज जो है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर लाइक स्टेज में ही इन्फेक्शन काउज करता है। तो वो स्पोरोजोआ होता है जो स्पोर लाइक स्टेज में, स्पोर में, जब ये स्पोर में होते हैं तो इनकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, स्टेज काउज करते हैं, ठीक है। इन देयर लाइफ साइकिल द मोस्ट नोटोरियस इज प्लास्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच काउज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो सबसे ज़्यादा नोटोरियस का मतलब होता है क्रम प्रसिद्ध, आप लिख लीजिए यहाँ, क्रम प्रसिद्ध जो होता है वो प्लास्मोडियम होता है। प्लास्मोडियम क्या काउज करता है? मलेरिया काउज करता है। मलेरिया हमारी बॉडी के अंदर काउज करता है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, अभी हमने पीछे भी आपको बताया था प्लास्मोडियम के बारे में, स्लाइम माउथ के अंदर एग्जाम्पल्स आया था, हमने बताया था कि वो मलेरिया काउज करता है, और हमने बोला था आगे भी हम बताएंगे। तो ये देखिए इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट नोटोरियस क्रम प्रसिद्ध होता है जो कि क्या काउज करता है, मलेरिया काउज करता है। और ये क्या करता है, मलेरिया बहुत तेज़ी से काउज करता है जो कि बहुत स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब होता है सिर घुमा देने वाला, सिर घुमा देने वाला इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब ये हमारी बॉडी में स्पोर की स्टेज में अटैक करता है, और ये बहुत तेज़ी से एक दो दिन में हमारी बॉडी में चक्कर बुखार आने लगते हैं, बहुत सारे इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके कारण। तो स्पोरोजोआंस का एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट काउज करता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में किंगडम फंजाई की, तो प्लीज़ आप इन सब के लिए प्रिपेयर रहिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। और हाँ प्लीज़, और अगर आपको अभी भी कोई बुक में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके देख सकते हैं और लिंक से परचेस कर सकते हैं बुक्स। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए तैयार रहिए, टेस्ट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट कंटेन करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए और वीडियोस को पूरा, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, दोबारा एक बार रिकॉल कर लीजिए, और एनसीईआरटी को जितना मैंने पढ़ाया है वहाँ तक एक बार आप रिकॉल गो थ्रू हो जाइए। और मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए कुछ रूल्स होंगे जो, और एक बात ध्यान रखिएगा कि टेस्ट के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड ही मिलेंगे। 15 सेकंड के अंदर आपको मुझे आंसर कमेंट करना है। जितने क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में 15 सेकंड मैक्सिमम होंगे, उसके बीच में ही मुझे आंसर कमेंट करना है। और उसके लेट किया तो फिर वो मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, और मैं उसका आउटपुट निकाल के आपको आपको मेल करूँगा, या आपको कमेंट में आपको आंसर करूँगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। और इससे ये होगा कि एक हेल्थी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।